इसलिए दुनिया का सबसे महंगा। तो आप अपने पैसे ऐसे बचा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो चीज सबको पसंद है। तो हेलो गाइस, मैं हूँ अभी जोधपुर के घंटाघर एरिया में। अब मेरे सामने की तरफ देख रहे हैं, ये है सरदार मार्केट। इसका बहुत सुंदर सा गेट बना हुआ है। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से आगे की तरफ, और पीछे की तरफ आप देखेंगे सामने की तरफ है घंटाघर, जो कुछ जो पीछे दिख रहा है वहाँ पे। अभी मैं उसके पास जाने वाला हूँ। यहाँ भी आप जयपुर की तरह, जैसे जयपुर पिंक है तो हल्का हल्का ब्राउनिश है। और जो यहाँ की दुकानें हैं वो सब एक जैसी हैं सारी की सारी, और एक ही कलर से दुकानों पे पेंट किया हुआ है, एक ही तरफ से दुकानों पे लिखा हुआ है। तो चलते हैं हम यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं मार्केट। पीछे की तरफ देख सकते हैं जूस की दुकानें, कपड़ों की दुकानें, और ये सब दुकानें वहाँ पे हैं। और इधर भी इस तरह की दुकानें वगैरह बहुत सारी हैं। आपको घंटाघर के पास काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी देखने के लिए। अभी मैं आ गया हूँ घंटाघर पर। मेरे पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, ये है घंटाघर। काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, काफ़ी यूनिक है, ब्राउन कलर से बनी हुई है और काफ़ी डिफरेंट बिल्डिंग है, जिसे आप देख सकते हैं। जब आप घंटाघर जाओगे, घंटाघर जाने से पहले ही आपको मिलेगा शाही समोसे के नाम से, ये एक फेमस दुकान जो काफ़ी फेमस समोसा है यहाँ का। सरदार मार्केट वाला जो गेट है उससे पहले ही आपको मिलेगा ये समोसा। इनका समोसा और प्याज कचौरी दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी खा के देखते हैं। तो अभी मैं प्याज की कचौड़ी और समोसा दोनों पैक करा लिया है वहाँ से, और यहाँ में आके मैं चाय पी रहा हूँ। उनकी चाय भी काफ़ी फेमस है, श्रीराम टी स्टॉल के नाम से है। और शाही समोसा थोड़ा सा आगे गेट के बिल्कुल बराबर में ही है, तो वहाँ से आप ये चाय ले सकते हो और यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट कर सकते हो। बड़ा अच्छा, बहुत ही कम पैसों में बड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट। तो अभी मैं यहाँ से समोसा मैंने टेस्ट किया है, समोसा काफ़ी अच्छा है। अभी मैं आपको प्याज कचौड़ी टेस्ट करके बताता हूँ। ये है प्याज कचौड़ी, और ये काफ़ी बड़ी है, टेस्ट करके बताता हूँ वो कैसी है। प्याज कचौड़ी टेस्ट इज़ वेरी यूनिक, बड़ी अच्छी है। और यहाँ पे अधिकतर लोग यहीं से खाते हैं, यही एक फेमस दुकान है प्याज कचौड़ी की। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ आगे की तरफ। तो अभी मैं घंटाघर से पावटा के लिए बैठ चुका हूँ। अगर आपको उम्मीद भवन जाना है तो आपको घंटाघर से पावटा और पावटा से उम्मीद भवन के लिए बस मिल जाएगी, जो आप 25 से 30 रुपये में पहुँच जाएंगे वहाँ तक। अगर आप पहले ऑटो बुक करते हैं डायरेक्ट, तो आपको लगभग ऑटो पड़ेगा 100 रुपये का। तो आप अपने पैसे ऐसे बचा सकते हैं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं उम्मीद भवन, उम्मीद पैलेस के ऊपर। तो ये पैलेस मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है, कितना ज़बरदस्त है उम्मीद पैलेस। और आपको बता दूं कि उम्मीद पैलेस दुनिया के सबसे महंगे होटल्स में से एक है। आपको पता है दुनिया के सबसे महंगे होटल्स में से यहाँ एक दिन का जो रेंट होता है कमरे का, मैं आपको बताऊँगा बाद में कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अभी हम चल रहे हैं मेन एंट्रेंस पर, जहाँ से आम आदमी के लिए खुला हुआ है, 30 रुपये एंट्री है। अभी हम जा रहे हैं दूसरे वाले गेट के ऊपर, तो वहाँ चलते हैं। अभी मेरे साथ हैं, अभी अपना नाम बताइए। सुधीर बिश्नोई। सुधीर बिश्नोई जी, ये राजस्थान से ही हैं और ये भी घूमने आए हैं, तो आज मेरे साथ में ये घूमेंगे उम्मीद पैलेस। मुझे भी थोड़ा घुमाएंगे, ज़्यादा पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, गाइडलाइंस कर दूंगा बिल्कुल, तो बहुत हेल्पफुल था। ओके ओके, वेरी। तो अभी मैं उम्मीद पैलेस के अंदर हूँ, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है उम्मीद पैलेस। सच में
उमेद पैलेस बहुत ब्यूटीफुल है। वैसे तो इन्होंने फोटोग्राफी के लिए मना, वीडियो के लिए मना किया, बट फिर भी यहाँ पे कैमरा वगैरह नहीं है तो मैं बना रहा हूँ। सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इनके म्यूज़ियम बहुत सुंदर है, इनकी दीवारें ज़बरदस्त हैं एकदम। इसलिए दुनिया का सबसे महंगा होटल कह सकते हैं, सबसे महंगा पैलेस है। जब आप उमेद भवन के अंदर आएंगे म्यूजियम में, तो वहाँ पे एक रूम में जिसमें जहाँ पे वॉचेस का कलेक्शन है केवल, तो मैं अभी उसी रूम में हूँ। आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वॉचेस हैं जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। वॉचेस में ट्रेन के ऊपर वॉच बनी हुई है। अगर बात की जाए उमेद पैलेस के अंदर कितने सारे रूम हैं, तो इसके अंदर 347 रूम हैं। चाइल्ड अवार्ड्स फ्रॉम होटल्स में इनको दुनिया का सबसे महंगा होटल और सबसे बेस्ट होटल के रूप में इनको अवार्ड भी मिला है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो चीज़ सबको पसंद है। तो अब ये मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं, रॉयल्स रॉयल की विंटेज कार है जो काफ़ी खूबसूरत है। उमेद पैलेस देखने के लिए लगभग आपको 1 से 1.5 घंटा चाहिए। 3 भागों में डिवाइडेड है, एक भाग है महाराजा महारानी के लिए, दूसरा भाग है होटल्स का, और तीसरा भाग में म्यूजियम है, वो आम जनता के लिए खुला हुआ है। अभी मैं पहुंच चुका हूं जसवंत थड़ा में। जसवंत थड़ा भी मेहरानगढ़ किले के पास ही है, और ये सामने देख रहे हैं ये है टिकट घर। अभी मैं जा रहा हूं टिकट लेने के लिए। अभी मैंने यहाँ से टिकट ले लिया है, जो टिकट है वो है 30 रुपीज़ का। जो आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है जसवंत थेड़ा सामने की तरफ जो महल है उसके बिल्कुल सामने की तरफ जो एरिया है, यहाँ पे राज परिवारों की दाह संस्कार के लिए ये जगह है। यहाँ पे दाह संस्कार होता है राज परिवारों का, जो यहाँ के जो राजा हैं जितने भी जोधपुर के उनके लिए। पीछे की तरफ भी देखेंगे कि स्मारक बने हुए हैं सबके, तो वो सब राजाओं के यहाँ पे स्मारक बने हुए हैं। अच्छे से मेंटेन है, बहुत अच्छे से बने हुए हैं। अगर हम बात करें इस स्मारक के खर्च की, तो इस स्मारक को बनाने के लिए 2,84,000 कुछ रुपए लगे थे उस टाइम पे, यानी कि 120-130 साल पहले। देखोगे आप, जब 100 रुपए की इतनी ज़्यादा कीमत होती थी, लखपति बोलते थे कि ये बहुत लखपति है, तो उस टाइम इसको बनाने के लिए 2,84,000 के आसपास कुछ रुपये लगे थे इस स्मारक को बनाने के लिए। और यहाँ से लगभग 250-300 किलोमीटर दूर मकराना से इसका जो संगमरमर का पत्थर है वो लाया गया था, तभी ये इतना ज़्यादा चमकता है, और आज भी हल्का हल्का सा येलोइश है बिल्डिंग। अभी मैं हूँ जसवंत थड़ा महल के अंदर, और शूज़ निकालने के बाद अंदर एंट्री होती है। और छोटी सी प्यारी सी खिड़की देखिए आप, कितनी प्यारी खिड़कियाँ हैं, और काफ़ी मोटी लकड़ी की बनी है। इस लकड़ी को, इस खिड़की को ऐसे ओपन करेंगे, ये देखिए। महल तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इसके अंदर जो नक्काशी की गई है वो बहुत अच्छी है। मुझे इसके स्पेशली गेट बड़े अच्छे लगे, गेट भी इतने अच्छे से बनाए गए हैं, बहुत ज़बरदस्त गेट है जो आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे। दिन भर घूमने के बाद अभी मैं पहुंच चुका हूं अरोड़ा चाट भंडार पर। अरोड़ा चाट भंडार की जो चाट है वो काफ़ी फेमस है। दुकान से आपको मिलेगी लस्सी 35 रुपीज़ की है। अरोड़ा चाट भंडार, यहाँ पे चाट का सच में भंडार है, बहुत सारी वैरायटी है इनके पास चाट की। अभी मैंने ये लिया है, और अपने लिए दही भल्ले पैक कराए हैं जो बाद में खाऊंगा।
और सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग मुझे लगी दुकान इनकी। और यहाँ पे भीड़ लगी हुई चारों तरफ देखिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर द वॉचिंग माई दिस सेकेंड व्लॉग ऑफ जोधपुर। सो आज मेरा लास्ट दिन है और आशा करता हूँ कि मेरे आपको वीडियो जोधपुर के अच्छे लगे होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर द अपना प्यार दिखाने के लिए, और मिलते हैं आपको इसी तरह अगली वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ।